नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे आज आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत पेशेंट परेशान रहते हैं कि सर मेरा मुंह नहीं खुल रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। पहले माउथ ओपनिंग आपका 3-3 फिंगर अच्छे से चली जाती थी, ये सब लचीला होता था, लेकिन अब तो ये पूरा सॉफ्ट की जगह पर हार्ड हो गया है और अंदर से भी मुंह जब फुलाते हैं तो फुलता नहीं है, बिल्कुल हार्ड होता जा रहा है और मुंह खुलने का जो हाइट है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। तो जो लोग गुटखा, तंबाकू, पान, सुरती का मात्रा अपने सेवन में रोज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बहुत ही जल्दी हो सकता है। और जब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक बार हो जाता है तो ये जितना आपके मुंह में इन्फेक्शन होता है, मतलब कि जो भी खाना आप खाएंगे, स्पाइसी चीज़ खाएंगे आपको लगेगा, मीठा चीज़ खाएंगे आपको लगेगा, जो भी चीज़ें आपको लगेंगी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुंह में। एक तो आप कुछ भी देख के उसको मतलब अपने मुंह में खा नहीं सकते हैं, आपको हमेशा प्रॉब्लम होती रहती है। तो फिर इसका ठीक करने का बहुत सारे उपाय मैंने अपने डेंटिस्ट्री में आपको बताए हैं, इसकी मेडिसिन भी बहुत सारी बताई है। और आज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करने का मैं आयुर्वेद से उठा के एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ कि जिससे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस मतलब मैंने आपको एक बार पहले वीडियोस में बता रखा है कि बार बार दरवाज़ा मत खटखटाइए, मतलब कि गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीज़ें जो भी आपकी हैबिट है वो सब छोड़ दीजिए। उसके बाद जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं उस मेडिसिन को कीजिए। उसको करते हुए साथ में जो मैं आपको ये हल्दी का और विदारा का और काली तुलसी का जो आपको ये उपाय बताने वाला हूँ, इस उपाय को भी कीजिए। और बिल्कुल 101% मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपको प्रॉब्लम है आपके मुंह में वो 6-7 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब कि जो आपके गालों के अंदर में फाइब्रोटिक बैंड डेवलप हो गए हैं, मतलब पूरा वाइट हो गया है, अंदर से इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद ने भी आपको कई सालों, हजारों साल पहले भी आपको बता रखा है। मतलब कि बीमारी पान, गुटखा, तंबाकू बना अभी और आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट आपके कई सालों पहले है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो विदारा का पत्ती होता है, विदारा की पत्ती साथ में काली तुलसी की पत्ती और अंबा हल्दी या कच्ची हल्दी, थोड़ी सी कच्ची हल्दी लीजिए, 4-5 तुलसी की पत्ती लीजिए और विदारा के पत्ती का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। इसको जैसे पान आप खाते हैं, पान तो बड़े शौक से खाते हैं, उसने ही शौक से इसको अपने मुँह में रखिए और चबाना शुरू कीजिए। 10-5 मिनट आप इसको रोज़ चबाइए, एक बार सुबह या शाम में, कभी भी एक बार दिन में ये करना है। 10-5 मिनट इसको चबाइए जैसे आप गुटखा, तंबाकू चबाते थे, और जब ये पूरा अच्छे से मुंह में घुल जाए तो फिर इसको 5-7 मिनट बाद थूक दीजिए। और एक मिरेकल और एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आप 3 महीने के अंदर देखना शुरू करेंगे। और जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मली करते रहिए, और इसको भी करके देखिए कि आप जो आपकी आशाएं थी, जो कि खोया हुआ आपका विश्वास था, ये पूरी तरह से वापस आएगा और आप 101% ठीक हो जाएंगे। आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से आने वाले समय में कैंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुटखा खाना नहीं छोड़े, अपने हैबिट को नहीं बदले, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने हैबिट को बदलिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, फिर जो उपाय आपको ये आयुर्वेद में बताया गया है इसको कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए कि कितना अच्छा होता है।